अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई हैर हरिये से होंगे। ये जो गाड़ी है होंडा सिटी है, 1998 मॉडल है, 1998 मॉडल है। गाड़ी में एक मसला आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट होके बंद होती है और कभी कभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और एसी इसकी अप डाउन हो रही है, तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी कभी स्टार्ट हो के साथ ही बंद हो जाती है, ये मसला गाड़ी में। अब इसको हम सर्विस चेक कनेक्टर की जो दो वायर हैं, इन दो वायरों को हम शॉर्ट करेंगे। ये ज़्यादातर जो ओल्ड मॉडल की गाड़ियां हैं इनके अंदर 16 पिन वाला डीएलसी कनेक्टर नहीं होता। अगर आपके पास स्कैनर भी नहीं है, आप बगैर स्कैनर के इसका फॉल्ट जो आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ये दो वायर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो वायरों को आपने शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको 3 पिन वाला कनेक्टर नज़र आ रहा है, इसको डीएलसी डाटा लिंक कनेक्टर बोलते हैं, और जो दो वायर वाला है इसको बोलते हैं सर्विस चेक कनेक्टर। ठीक है, इस गाड़ी में 16 पिन वाला डीएलसी कनेक्टर नहीं होता। इसमें आपको ये दो ग्रिप मिलेंगे, एक 3 पिन वाला और एक 2 पिन वाला। ये दो वायरों को आपके सामने मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब गाड़ी का जो स्विच है इसको हम ऑन कर देंगे। अब लाइट हमारी जितनी दफ़ा ब्लिंक करेगी हमें समझ जाना चाहिए हमारा ये कोड आ रहा है, 1 2 3, मतलब कि हमारा 3 कोड आ रहा है। फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं तो 3 ही कोड आ रहा है, ये आपके सामने है। लाइट 3 दफ़ा ब्लिंक करके बंद हो जाती है, तो इसका ये हमें पता चल गया कि हमारा 3 नंबर कोड आ रहा है। इसको हम गूगल पे जाके चेक करते हैं कि ये किस चीज़ का कोड है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ, यहाँ पे हमने लिखना है OBD1 कोड्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने आ जाना है OBD1 कोड्स होंडा, ये सिलेक्ट कर लिया। ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जाना है होंडा एंड कोरा OBD1 चेक इंजन लाइट ट्रबल कोड, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा खुल गया, होंडा एंड कोरा OBD1 चेक इंजन लाइट ट्रबल कोड 1992 से लेके 1995 तक, यहाँ तक आपको इसके कोड की पूरी डायग्राम मिल जाएगी। तो यहाँ से हम नीचे जाते हैं और चेक करते हैं हमारा 3 नंबर कोड किस चीज़ का है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पे कोड और साथ लिखा हुआ है मीनिंग। तो ये बता रहा है कि कोड 0 एंड 11 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM, कोड 1 हीट ऑक्सीजन सेंसर A, कोड 2 ऑक्सीजन कंटेंट B, कोड 3 एंड 5 मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर मैप सेंसर जिसको हम बोलते हैं। वो बोलता है अगर आपका कोड 3 आ रहा है या 5 आ रहा है तो ये कोड आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का है। तो हमारा कोड ये वाला आ रहा था, ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा मैप सेंसर का कोड आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आ रही है। तो 4 नंबर वो बोल रहा है करंट सेंसर पोजिशन, और 6 नंबर आ रहा है कूलन टेम्परेचर सेंसर। 5 नंबर इसलिए नहीं मैंशन किया हुआ क्योंकि 5 नंबर भी इसमें आ रहा है कोड 3 और 5 में। तो ये हमें कंफर्म हो गया, इस तरह आप गूगल पे इसको बआसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं ये इसका थ्रोटल लगा हुआ है, इसके अंदर 3 सेंसर लगे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ आपको। ये सेंसर जो आपको नज़र आ रहा है ये आइडियल एयर कंट्रोल वाल सेंसर है, इसको IAC भी बोलते हैं, और ये इसका TP सेंसर है, थर्ड प्रेशर सेंसर। ठीक है, इसकी भी 3 वायर हैं, और ये इसका जिसका हमारा 3 नंबर का कोड आ रहा था मैप सेंसर का, ये सेंसर का कोड आ रहा था, ये आपके सामने है। इसकी वायरिंग जो है गलत लगी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट होके बंद हो रही थी। तो वायरिंग इसकी मैंने अपनी जगह पर लगाई है, जो इसकी एक्यूरेट पोजीशन है वहाँ पे इसको वायरिंग को मैंने लगाया। जैसे ही लगाया गाड़ी का मसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो ये तीनों सेंसरों की 3-3 वायर होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर को मैंने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है। तो एक इसमें 5 वोल्ट आएगी, एक इसमें ग्राउंड आएगा, एक इसकी आउटपुट सिग्नल की वायर होती है। तो ये रेड प्रोब जहाँ पे लगाई है ये इसकी 5 वोल्ट की है और ये इसकी ग्राउंड की वायर है। दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक ग्राउंड चेक करना होता है, एक 5 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड भी आ रहा है और 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। और तीसरी वायर जो होती है वो हमारी आउटपुट सिग्नल की वायर होती है। अगर आपने सेंसर भी चेंज कर दिया, वायरिंग भी आपकी ओके है, तो फिर आपका 100% सेंसर में मसला हो सकता है। तो इसकी वायरिंग में मसला था। तो दोस्तों वायरिंग इसकी मैंने कैसे क्लियर किया, ये सेंसर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेंटर पे लिखा हुआ है ग्राउंड, जी लिखा हुआ है और बी जहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी 5 वोल्ट की वायर है, और जहाँ पे ओ लिखा हुआ है वो आउटपुट सिग्नल की वायर है। इस सेंसर की मदद से वायरिंग को मैंने सीधा किया है, जिससे मेरा मसला क्लियर हो गया। तो दोस्तों गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो गई है, आपके सामने है, गाड़ी रेस सही ले रही है। गाड़ी में जो मसला था वो वायरिंग का था, जो मैप सेंसर की वायरिंग आपको मैंने बता दी है वो क्लियर करने के बाद गाड़ी का जो मसला वो क्लियर हो गया। तो ये तीनों सेंसरों की तीन तीन वायर होती हैं। मैप सेंसर से मैं आप शुरू करता हूँ, इसकी एक 5 वोल्ट, एक ग्राउंड, एक आउटपुट सिग्नल। टीपी सेंसर इसका भी सेम यही कुलिया है, मैं एक ग्राउंड है, एक आउटपुट सिग्नल है और एक 5 वोल्ट है। जो आईसी वॉल है उसकी एक चाबी स्विच की वायर होती है और दो वायर कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं। तो ये गाड़ी में मसला था फाइनली। तो इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसका आउटपुट सिग्नल क्या निकाल रहा है मैप सेंसर का। तो ये आप देख सकते हैं ये मैप सेंसर का सिग्नल आ रहा है, ये इसकी एक्यूरेट रीडिंग है 3.60, 3.70, 3.75। ये इसकी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब कि हमारा जो मैप सेंसर है जिसका मसला आ रहा था वो अब सही काम कर रहा है। तो गाड़ी रेस भी ले रही है, सब कुछ ठीक है। अब अंदर जाके इसको बंद करते हैं गाड़ी को, फिर स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन की लाइट इसकी चली गई है। गाड़ी स्टार्ट पे चेक इंजन की लाइट बंद होनी चाहिए। आरपीएम स्टेबल खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, ओरिजिनल 750 है। तो गाड़ी को एक दफ़ा हम बंद करते हैं, बंद करके फिर एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।